जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है, भारत को जंग की धमकी दी है। पाक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को फिलिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। पाक सरकार में मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि हमें संसद में बेकार के विषयों पर उलझने की बजाय भारत का जवाब खून, आंसू और पसीने से देना होगा और जंग के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनते हुए अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को खत्म कर दिया है। ऐसे में यहां पर सिर्फ धारा 370 का एक ही खंड लागू रहेगा। उधर पाकिस्तान में भारत सरकार के इस कदम से मानो भूचाल आ गया है। इसके चलते विपक्षी पार्टियां पीएम इमरान खान को खूब खरी खोटी सुना रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मरियम नवाज ने इमरान खान पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कर इमरान खान को मूर्ख बनाया और ये अनुमान नहीं लगा पाए कि भारत क्या योजना बना रहा है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान सकते में आ गया है। ऐसे में पाक के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने जम्मू कश्मीर में बदले हालात पर चर्चा के लिए संसद में संयुक्त सत्र का आह्वान किया है। बता दें कि पहले ये सत्र मंगलवार को बुलाया जाना था, जो अब 7 अगस्त को बुलाया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।